आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हाल के आंकड़ों के अनुसार हम हर दिन करीब 5000 निर्णय लेते हैं। यह मजाक नहीं है, हकीकत है। आज सुबह से ही शुरू करते हैं। हमने बिस्तर से उठने का फैसला किया, हम में से कुछ लोगों ने व्यायाम करने का फैसला किया, टहलने का या प्रार्थना में समय बिताने का निर्णय लिया, क्यों है ना। हम में से कुछ ने चुना कि परिवार के बाकी सदस्य नाश्ते और दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे। हमने तय किया कि कौन से काम पूरे करने हैं, क्या फोन कॉल का जवाब देना है या नहीं देना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या पौधे हैं, उनको किस तरह से पानी देने की जरूरत है या क्या एक और दिन इंतजार कर सकते हैं। यह थका देने वाला ही होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज 5000 से अधिक निर्णय किए गए हैं। हमारे रोजमर्रा में कुछ विकल्प अचानक या बिना सोचे होते हैं, पर कई विकल्प ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचने की जरूरत होती है, लेकिन वे सभी हमारे जीवन को कम या ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक विकल्प जो हम हर दिन बनाते हैं वह यह है कि दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ कीजिए, या सोशल मीडिया के साथ, या किसी और चीज से। क्या हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, या इसे एक चिंता से या वहम से शुरू करते हैं? क्या हम अपनी महिला प्रार्थना समूह से मिलने के लिए अपने कार्यक्रम से समय निकालते हैं या निकालेंगे, या अन्य कामों को प्राथमिकता देंगे? ट्रांसवर्ल्ड रेडियोस के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, और आज हम दोनों आपके होस्ट होंगे। पिछले 2 हफ्तों से हम कुछ खाने पीने की चीज़ों की और उनसे सीखे जाने वाली सबक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनका बाइबल में महत्वपूर्ण उल्लेख है। पहले हमने रोटी के बारे में बात की, जो परमेश्वर की ओर से दैनिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पोषण है। पिछले हफ्ते हमने शहद के बारे में बात की और बताया कि जीवन के लिए शब्द कैसे शहद की तरह मीठे होते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो वाणी, आज के मेन्यू में क्या है? शालिनी जी, आज हम समुद्र में रहने वाली एक चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। समुद्र में ये कौन सी चीज है? जी, उस चीज के बारे में मैं आपको पहले नहीं बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको पहेली बताऊंगी, और उस पहेली के द्वारा आप अनुमान लगा सकती हैं कि वो चीज क्या है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आइए मैं सुनाती हूँ। मुझे कभी कभी हुक पर टंगा हुआ देखा जाता है, लेकिन मैं कोट नहीं हूँ। मेरे पास पूंछ है, लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूँ। मेरे पास केल छिलके हैं, लेकिन मैं चीजों को नहीं तोलती। मैं जाल में फंस सकती हूँ, लेकिन मैं तितली नहीं हूँ। मैं पानी में रहती हूँ, लेकिन मैं मेंढक नहीं हूँ। तो इसकी एक पूंछ है और स्केलेज भी है, ये पानी में रहती है, क्या ये मछली है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मछली ही है। आज हम मछली के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने और दूसरों के जीवन में कुछ अंतर पैदा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने किसी अखबार के विज्ञापन में किसी की कमीज पर, यहाँ तक कि किसी के कार के पीछे की तरफ लगा हुआ मछली का चिन्ह देखा होगा। यह आसानी से पहचान में आने वाला एक मछली का मसीही प्रतीक है। यह एक हाथ से खींची गई मछली है, जिसपे कभी कभी आँख के लिए एक क्रॉस या उसके बीच में यीशु का नाम लिखा होता है। इस प्रतीक को 31 के नाम से जाना जाता है, और यह प्रारंभिक ईसाइयों के बीच लोकप्रिय था। जी हाँ, मछली का प्रतीक यूनानियों 31 से निकला है। यह शब्द वास्तव में अक्रोस्टिक है, IXNY के रूप में लिखा गया है, जिसका अर्थ है मछली, जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है वाक्यांश का प्रतिनिधित्व करती है। पहली शताब्दी में रोमियों द्वारा उत्पीड़न के समय के दौरान ईसाइयों के बीच मछली के प्रतीक का इस्तेमाल छिपने के लिए किया गया था, जो सभी के मिलने और आराधना करने के लिए सभा स्थलों को प्रदर्शित करता था। उन्हें पेड़ों या दरवाजों या कब्रों पर भी देखा जा सकता था। मछली का प्रयोग यह पता लगाने में किया जा सकता है कि कौन मसीह था और कौन दुश्मन। मछली के चिन्ह के बारे में एक कहानी बताई गई है। जब दो लोग एक दूसरे से मिलते थे, तो मसीह व्यक्ति रेत पे मछली का पहला आधा हिस्से का एक चित्र बनाता था। यदि दूसरे व्यक्ति ने बाकी आधी मछली को सही ढंग से बना दिया, तो पहला मसीह व्यक्ति ये जानता था कि दूसरा व्यक्ति भी एक साथी ईसाई था।
यदि दूसरा व्यक्ति मछली को पूरा नहीं करता तो ऐसा लगता था जैसे कोई व्यक्ति रेत में कोई चित्र बना रहा हो। मछली के बारे में बाइबल में कई जगह लिखा गया है। याद है कि यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। मत्ती 14 उसके 15 से 21 और मरकुस 6:34-44, मत्ती 4:19 में यीशु अपने शिष्यों को मनुष्य का पकड़ने वाला होने के लिए बुला रहा है। स्वर्ग के राज्य को सभी प्रकार के लोगों को राज्य में इकट्ठा करने के लिए एक जाल के रूप में बताया गया है। क्या हम ये भूल सकते हैं कि यूहन्ना 21 उसके 9-14 में यीशु ने कब्र से अपने जी उठने के बाद अपने शिष्यों के लिए मछली पकाई और साबित किया कि वह जीवित है और कब्र से आजाद है। आज हम 5,000 को भोजन खिलाए जाने के बारे में देखते हैं जो मत्ती 14:13-21 में पाया जाता है, जो इस प्रकार है। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनको बीमारियों से चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हम इस घटना का वर्णन 4 सुसमाचारों में पाते हैं जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो यह चमत्कार हमें यीशु के बारे में क्या बताता है? इस पाठ से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आइए हम अपना ध्यान इस ओर लगाएं, जब यीशु ने अपने शिष्यों से भोजन खोजने के लिए कहा और उन्हें एक लड़का मिला जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। इस छोटे से लड़के के बारे में सोचिए जो भीड़ का हिस्सा बनने आया है। जो कुछ भी उसके पास था शायद वह उसके और किसी और एक जन के लिए काफ़ी था। वहाँ बैठे लोगों की भीड़ की तुलना में यह समुद्र में एक बूंद के समान था, और फिर भी जब यीशु ने मदद मांगी तो लड़के ने संकोच नहीं किया। उसने नहीं सोचा था कि उसके पास जो खाना था वह बहुत कम था। उसने नहीं सोचा कि यह काफ़ी अच्छा नहीं था। इसके बजाय उसके पास जो था उसने उसे साझा किया। उसने उसके पास जो थोड़ा था उसकी मदद करने का फैसला किया, और परमेश्वर ने इस छोटे लड़के को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि वह लड़का कितना चकित हुआ होगा जब उसने देखा कि उसका सादा सा खजाना भीड़ के पेट भरने का कारण बन गया है। यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद किया और बैठने वालों को जितनी वे चाहते थे बांट दी। उसने मछली के साथ भी ऐसा ही किया। जब सबके सब खाने वाले तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ भी फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की उन 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बचे थे 12 टोकरियां भर। यीशु द्वारा चेलों और लड़के को दूसरों को आशीष देने के लिए उपयोग करने के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमें दूसरों को आशीष देने के लिए भी उपयोग करता है। कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर हमें दूसरों की ज़रूरत में मदद करने के लिए कहते हैं, और यह ठीक उसी तरह के नज़ारे के समान है जो 5,000 लोगों को भोजन कराने के दौरान हुआ था। जब परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए कहते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि एक साधारण सी राशि या काम करने का भी बहुत से लोगों के जीवन पर एक बेहद गहरा और भारी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पृथ्वी पर हम जिस किसी चीज़ का सामना करते हैं वह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी नहीं है। वह हमेशा हर चीज़ से बड़ा होता है, खासकर हमारी बाधाओं से। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। मत्ती 6:25-27 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं?
आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? जब हम आज की ज़रूरतों को पूरा करने और उनका जवाब देने के लिए यीशु की ओर मुड़ते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तब क्या होता है? पवित्र शास्त्र हमें बताता है, यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ। देखिए, यीशु के पास पहले से एक योजना थी। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। जिस क्षण उस लड़के को उसके पास लाया गया, उसके पास पहले से ही विचार था निर्देश देने के लिए। लेकिन हम अक्सर परमेश्वर की योजना और इच्छा को नहीं जानते, क्योंकि हम समस्या से बचने की कोशिश में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, अपना हिसाब करते हैं और संसाधनों को इकट्ठा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यीशु की ओर मुड़ सकते हैं। तो मूल रूप से यीशु के हाथ में 5 रोटियां और दूसरे हाथ में 2 मछलियां थी, और उसने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, ये हमारे दोपहर का भोजन है, आओ हम इसके लिए धन्यवाद दें। अगर हम वहाँ होते तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते, क्या वह सनकी है? ये क्या कर रहा है? क्या उसका मतलब यह है कि उसके दोपहर का भोजन ये है या हमारे दोपहर का भोजन ये है? वह क्या कर रहा है, यह काफ़ी नहीं है। जब तक परमेश्वर कार्य नहीं करता, हम उत्तर नहीं देखते हैं। हम तनाव में रहते हैं और हमें तनाव पसंद नहीं है। हमें इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हम अपना हिसाब खुद ही करते रहते हैं। हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने संसाधन प्राप्त करने की खुद से ही कोशिश करते चले जाते हैं। लेकिन फिर यीशु धन्यवाद देता है और वह भोजन देना शुरू करता है। कोई भी इसके लिए योजना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक असंभव स्थिति थी, लेकिन जल्द ही बड़बड़ाहट उत्साह के शोर में बदल गई और हर कोई हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने यह देखा जो असंभव और अकल्पनीय था। यीशु ने यह किया, और हमें उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे पास एक और दिलचस्प कहानी है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी कील ने युद्ध में अंतर पैदा कर दिया। 1485 में एक लोहार घोड़े की नाल बना रहा था। उसने देखा कि एक सैनिक उसके पास आया। राजा के घोड़े को लाने वाले सैनिक ने कहा, जल्दी से इसकी नाल लगा दो, क्योंकि राजा उसे युद्ध में ले जाना चाहता है। लोहार ने पूछा, क्या आपको लगता है कि लड़ाई होगी? निश्चित रूप से, और बहुत जल्द भी, सैनिक ने उत्तर दिया। राजा के दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं और सभी लड़ाई के लिए तैयार हैं। आज की लड़ाई तय करेगी कि रिचर्ड या हेनरी में से कौन इंग्लैंड का राजा होगा। लोहार अपना काम करता रहा। उसने लोहे की एक छड़ से घोड़े की 4 नालें बनाई। इन्हें उसने हथौड़े से मारकर आकार दिया और घोड़े के पैरों में फिट कर दिया। फिर वह उन पर कीले कसने लगा, लेकिन 2 नालों में कीले ठोकने के बाद उसे पता चला कि अन्य 2 जूतों के लिए उसके पास कीले नहीं थी। उसने कहा, मेरे पास केवल 6 कीले हैं और 10 और बनाने में थोड़ा समय लगेगा। ओह ठीक है, सिपाही ने कहा, क्या 6 कीले काफी नहीं होंगी? हर नाल में 3 रखो, मुझे अब तुरही की आवाज सुनाई देती है, राजा रिचर्ड बेचैन हो जाएगा। लोहार ने कहा, हर नाल में 3 कीले उन्हें संभाल लेंगी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक जोखिम है। इसलिए उसने जल्दी से नाल लगाने का काम समाप्त कर दिया और सिपाही घोड़े को राजा के पास ले गया। कई दिन हो गए और कुछ समय से लड़ाई तेज हो रही थी। किंग रिचर्ड व्यस्त थे, अपने आदमियों का हौसला बढ़ा रहे थे और अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। उसका शत्रु हेनरी, जो राजा बनने की इच्छा रखता था, समान रूप से शक्तिशाली और भयंकर था। दूर मैदान के दूसरी ओर राजा रिचर्ड ने अपने सैनिकों को पिछड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि उसकी मदद के बिना वे जल्द ही हार जाएंगे, अतः उनकी सहायता के लिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। अभी उसने मुश्किल से पथरीला मैदान आधा ही पार किया था कि घोड़े की एक नाल निकल गई, फिर एक और नाल भी निकल गई। अब घोड़ा लड़खड़ाने लगा और राजा रिचर्ड
जोर से जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि राजा उठ पाता, उसका डरा हुआ लंगड़ा घोड़ा भाग गया। राजा ने नजरें उठाकर देखा कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और लड़ाई उसके विरुद्ध जा रही है। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और चिल्लाया, एक घोड़ा, एक घोड़ा, एक घोड़े के लिए मेरा राज्य। लेकिन उसके लिए कोई घोड़ा नहीं था। उसके सैनिक अपने आप को बचाने में लगे थे, वे उसकी कोई मदद नहीं कर सके। वह लड़ाई हार गया। राजा रिचर्ड हार गया और हेनरी इंग्लैंड का राजा बन गया। इस युद्ध के बारे में एक प्रसिद्ध कविता है, कील के अभाव में जूता खो गया, जूते के अभाव में घोड़ा खो गया, घोड़े के अभाव में युद्ध हार गया, युद्ध हारने से राज्य खत्म हो गया, और यह सब एक घोड़े की नाल के अभाव के कारण हुआ। रिचर्ड तृतीय इंग्लैंड के सबसे बुरे राजाओं में से एक था। रिचमंड के ड्यूक हेनरी ने उससे युद्ध किया और उसे एक महान युद्ध में हरा दिया। वह एक दुखद घटना थी जो इतिहास में बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज भी हमारा जीवन विकल्पों का एक सिलसिला है। हमारे फैसलों ने हमारे जीवन को बना रहे हैं, आकार दे रहे हैं और नया रूप दे रहे हैं। हम अपने विकल्पों के चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन्हें बिना रोक टोक बनाते हैं। हम असहाय रोबोट नहीं हैं, बल्कि जवाबदेह इंसान हैं। हम जो विकल्प चुनते हैं वे हमें विनाशकारी रास्ते पर आगे तक ले जा सकते हैं या संतुष्टि और उद्देश्य के रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, बुरे से बुरे निर्णयों को परमेश्वर बदल सकता है। उन्हें हमारे जीवन के ताने बाने में इस तरह से बुना जा सकता है कि हम उनमें बढ़ते और उनसे सीखते हैं। जी हाँ बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें एक और अवसर देने वाला परमेश्वर है। उड़ाव पुत्र ने एक गलत निर्णय लिया जिससे उसे और दूसरों को कठिनाई हुई, लेकिन वह दूर देश से घर आने का एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हुआ और एक नई शुरुआत करी। एक दिन में 1440 मिनट और एक साल में 365 दिन के साथ हमें प्रकाशित होने के बहुत सारे अवसर दिए गए हैं। पर बात यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि दयालुता के छोटे काम भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक मुस्कान, प्रोत्साहन का एक शब्द, पानी का एक ग्लास, एक प्रार्थना, एक संदेश या दयालुता से सुनना, प्रेम दिखाने और परमेश्वर की महिमा करने के कुछ तरीके ही हैं। याद है आपको जब बोअज ने अपने खेत में रूत को बीनने दिया था, जब योनातन ने दाऊद को अपने हथियार दे दिए थे, जब अबीगैल ने दाऊद की सेना को भोजन कराया था, जब मूसा ने यित्रो की पुत्रियों की रक्षा की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया, जब रिबका ने अब्राहम के सेवक के ऊँटों के लिए पानी भर दिया था, जब अहीमेलेक याजक ने दाऊद और उसके जनों को रोटी दी थी। पूरी बाइबल में हम मामूली लोगों को असाधारण तरीके से प्यार करते और देते हुए देखते हैं। मामूली लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। C.S. लुईस ने एक बार लिखा था, इसलिए मत चमको, यानी कि इसलिए प्रकाशित मत हो ताकि दूसरे आपको देख सकें, बल्कि इसलिए चमको ताकि आपके द्वारा दूसरों को परमेश्वर दिखाई दे सके। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति इस दुनिया में अपना प्रकाश चमकाकर अंतर पैदा कर सकता है, जो आप कर सकते हैं। यह हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। हम यीशु को अपना समय, अपना कौशल और अपना खजाना देते हैं, भले ही वे छोटे और महत्वहीन दिखाई देते हैं, वह उन्हें कई गुना बढ़ा देता है और कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता और बदल भी देता है। यीशु ने एक लड़के के प्रयासों को कई गुना बढ़ा दिया जो दूसरों की मदद करने को तैयार था, और वह हमारे जीवन में भी ऐसा ही कर सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि यीशु दूसरों की मदद करने के आपके प्रयासों के साथ क्या करेंगे? इसे पता करने का केवल एक ही तरीका है, बाहर निकलिए और एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में, एक बॉस के रूप में, एक चर्च लीडर के रूप में, एक चर्च की सदस्य के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, एक दोस्त के रूप में और परमेश्वर के एक बच्चे के रूप में सेवकाई कीजिए। अगली बार तक आशय भरी नारी की सभी महिलाओं की ओर से हम आपको आज एक छोटा सा अंतर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया हो
तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।